ऋषभ पंत कोई ना कोई नई खबर के साथ पंत हमारे और आपके बीच चर्चाओं में बने ही रहते हैं। हाल फिलहाल में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत को 12 मार्च 2024 को BCCI द्वारा फिट घोषित कर दिया गया था। अब पंत इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलेंगे। कैपिटल्स ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उनकी वापसी की अपडेट देते हुए एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा कि रेडी टू रोर, वेलकम बैक ऋषभ पंत, कांट वेट टू सी यू, और दो दिल बना दिए। अब एक फैन ने इस पोस्ट पर ऋषभ पंत के मजे ले लिए। दिल्ली कैपिटल्स के सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, इससे अच्छा तो मैं बनाकर दे देता भाई, ये देखकर वापस कार चलाने चला जाएगा वो। इसे देख ऋषभ पंत ने भी रिएक्ट कर दिया। पंत ने दो हंसी वाले इमोजी पोस्ट कर दिए। फिट होने के बाद पंत ने कुछ खुलासे किए। पंत का कहना है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में वापसी करना चाहते थे, लेकिन BCCI सेक्रेटरी जय शाह की सलाह पर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए इंटरव्यू में पंत ने बताया कि वो फिट घोषित होने के इंतजार में बेचैन थे। वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले फिट होने की कोशिश कर रहे थे। BCCI और NCA बहुत मददगार थी। BCCI सचिव जय शाह ने निजी तौर पर दिलचस्पी दिखाई। वो उन्हें जल्द लंबे फॉर्मेट में उतारना नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे उनके वर्कलोड को बढ़ाना चाहते थे। पंत ने बताया कि ये उनकी रिकवरी का बेस्ट पार्ट था। उन्होंने पंत को T20 से शुरू करने की सलाह दी और उसके बाद वर्कलोड बढ़ाया जाएगा। पंत 2023 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा न बन पाने से निराश थे। उन्होंने NCA टीम से वर्ल्ड कप को लेकर चर्चा भी की थी। सभी ने 200% कोशिश की, लेकिन उनका घुटना उस वक्त दबाव नहीं झेल पा रहा था, जिसके बाद पंत ने खुद पर और काम किया। तो ये थी पंत की पूरी स्टोरी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।